हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के किसी भी स्लाइड में बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तीन स्लाइड हमने यहाँ पे लिया है और इन तीनों स्लाइड में हम बैकग्राउंड इमेज लगाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको डिजाइन टैब पे आ जाना है। डिजाइन टैब पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना। तो यहाँ पे पिक्चर और टेक्सचर फिल पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ इमेज आ जाएगा ऐसा। तो यहाँ पे आपको पिक्चर सोर्स पे आपको क्लिक करना है, इंसर्ट पे। तो इंसर्ट पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपने डेस्कटॉप से पिक्चर ले लेनी है। तो हमने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स रखी हुई है, तो हम यहाँ पे ये वाली पिक्चर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे स्लाइड के बैकग्राउंड में पिक्चर आ चुका है। तो हम यहाँ से थोड़ा सा इसका ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे हमने ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे बैकग्राउंड में यहाँ पे वाटर ड्रॉप का इमेज लग गया है। और यहाँ से हम इसे थोड़ा सा इसको ऊपर कर देंगे थोड़ा सा बस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से हम यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम आप आते हैं दूसरे नंबर की स्लाइड पे। तो दूसरी वाली स्लाइड पे भी ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पे पिक्चर और टेक्सचर फिल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे इंसर्ट पे जाके अपने डेस्कटॉप से जो भी पिक्चर आपको लगानी है यहाँ पे वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। तो हम यहाँ पे ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद बस इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे बैकग्राउंड में ये इमेज सेट हो चुकी है। अब इसी तरीके से हर स्लाइड में आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हो। यहाँ पे अब हम तीसरी स्लाइड पे आते हैं और हम चाहते हैं सिर्फ हमारा जो ये नीचे वाला पैराग्राफ है सिर्फ इसी में इमेज सेट हो, तो हम यहाँ पे एक बार क्लिक कर लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया, आप देख सकते हो हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया, उसके बाद पिक्चर और टेक्सचर फिल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे क्लिक करके तो यहाँ पे हम ये वाली इमेज सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितना हमारा सिलेक्ट था जो पैराग्राफ सिर्फ उसी पे यहाँ पे इमेज सेट हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने स्लाइड में बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो चैनल पर आते रहते हैं। यहाँ पे मैं एक बार आपको स्लाइड शो करके दिखा देता हूँ F5 प्रेस करके। F5 हम यहाँ से प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो स्लाइड शो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे ये हमारा पहला स्लाइड हो गया और दूसरी स्लाइड ये है, तीसरी स्लाइड ये है। इस तरीके से आप अपने स्लाइड में बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।